मर दो रुसे में याद क्या रखने उटुर आए मनावण दो रुसे में याद क्या रखने ये सिज होवे सवा नेजे पिघल वरना बनदा है आपकी भरपूर और हुब्बे आले रसूल क्या पुछदे हुब्बे आले रसूल क्या पुछदे कुर्बे रब्बे गफूर दे दी है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शुरू कर दें आज द ब्लॉग जनाब आज मैं खला इस खैल दे गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बॉयज इस खैल दे विच तुसा देख सकदे हो इत्थे पंजाब कल्चर फेस्टिवल डे आई ते ता इत्थे तुसा दे दे हो आज प्रोग्राम ही है ते कुपा शुपा लगा पे सामने स्टूडेंट्स जितने इन सारे इकट्ठे हैं ता अगू ते वेने थक दिखाने पंजाब कल्चर फेस्टिवल डे देख आज किने मनांदे ने सारे इस खैल दे जे तलबा स्टूडेंट्स हैं चलो चल दें जनाब ये साजनाल खलनसार प्रोफेसर हफीज अरशद हाशमी साहब जेरे गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज इसखैल दे प्रोफेसर हैं सर आज फेस्टिवल मना दे पे हुए थे जी बिल्कुल पंजाब कल्चर फेस्टिवल है अच्छा जी और बच्चों की काविश है सारी इन दी अपनी वैसे गवर्नमेंट के अहकामात भी हैं पंजाब कल्चरल फेस्टिवल दे ते उस सिलसिले दे बच्चा आप सारे फंड रेजिंग वगैरह करके ते आप सारे इतमाम किते ते सारे पंजाब कल्चर को जिंदा रखण दे एक तरीका है जी पैगाम लेण दे तरीका है उस सिलसिले च आई ते जी बच्चे भी बड़े खुश नजर आंदे पैन सारे कॉलेज दे बिल्कुल बच्चे इन वास्ते बड़ा आई ते अच्छा दिहाड़ा यानी कि आज खूब लुत्फ अंदोज थी सों ते जी एंजॉय कर सों इंशाल्लाह बिल्कुल जी और इस तरह दे प्रोग्राम जेडे इन को बहुत कुछ सिखाण च मदद देने खसूसन अपने कल्चर के करीब कर दें तो जल बंदा कल्चर के करीब थी तो बहुत सारी शय सीख गए बिल्कुल जी बिल्कुल जी शुक्रिया जी बहन देख दे दें देख बच्चे के कर दे इनके एक्टिविटी है जी हाँ अब मैं खला हाँ जी गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बॉयज इस खैल दे जी प्रोफेसर जी बशीर नवाज साहब नाल आज जी फेस्टिवल थी पे पंजाब कल्चर डे फेस्टिवल थोड़ा इस बारे के ख्याल है भई ये थीवना चाहिए हर साल बच्चा को इस नाल के फायदे मिल सुन जी अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई बिल्कुल तलीमी सरगर्म नाल नाल जरा सकाफत रंग वो जरूर होना चाहिए बिल्कुल जी क्योंकि सब पता है कि एक सेहतमंद जिस्म विच एक सेहतमंद दिमाग मौजूद होना है ठीक है बिल्कुल जब तक बच्चा अपनी सकाफत नाल वाकफियत हासिल न कर सी उस वक्त तक वो एक मौशे का एक मुफीद रुकन नहीं बन सकता ठीक है लिहाजा इन्हें जिस इन एक्टिविटी का जितना अच्छे तरीके कारी लेवल से इनका किया हुए थी उतना ही बच्चों को अपने एतमाद को बधाने का मौका मिलती और बड़े अच्छे तरीके वो एक मौशे का मुफीद मैंबर बन सकते शुक्रिया सर शुक्रिया बहुत अच्छा बहुत शुक्रिया सर अच्छा थैंक यू अच्छा भाई ये आज तो केरा रेड़ा मना दे पे आज बड़े कपड़े शपड़े पा के तैयार थी के आए खले हो हां ये वैसे तो आज कल्चर डे है लेकिन हम इधर कोई प्रोग्राम भी है अच्छा का। अच्छा तो सर ने कहा कि वैसे तो कल्चर डे है जी अच्छा इसी के लिए तैयारी शहरी तो खुश हो यानी किया जाए दिहाड़े आवने चाहिए जी जी बिल्कुल बहुत खुश है ऐसे एंटरटेनमेंट होनी चाहिए अच्छा ठीक है चलो देख अगू ते वेने म्यूजिक लगी पई है डांस शांस ही कर सो इंशाल्लाह प्रोग्राम है ना हां जी इंशाल्लाह चलो ठीक है सारे कॉलेज दे ना होन हार स्टूडेंट जे रहे ना एक खले ने थे आज कॉलेज दा ना दिहाड़ा मना दे पन पूछ दे भाई आज के छे आज वसीम क्या हाल है ठीक ठाक वसीम आज केरा दिहाड़ा मना दे पवे थे आज कॉलेज बड़ा यूनिफॉर्म कोशी कोनी आज बते सारे आजाद है खेड़ियां जूतियां पा के आज सारे पैसे जमा करके मुसीकी दा प्रोग्राम बड़ा ऐसे
हर शरली मिली है हर शरली मिली है अच्छा उन्हें वेलकम पार्टी है या दूजी रिसीविंग या दूजी सीआफ वाली पार्टी है वेलकम पार्टी है ना वेलकम पार्टी कह दी वेलकम पार्टी उस्तादन दी है लेक्चरारन दी अच्छा सारे स्टूडेंट तो फोन दोस्त थींदे पए अच्छा सारे दे नाल इना मात तकसीम की थी फोन अच्छा सबो टेस्ट वाले वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड इनक पता है उमर खले सारे हन हर स्टूडेंट देख उमर को पुछदा उमर सुना देखते किने आज के एंजॉय करदा पे तू जी बड़ा एंजॉय करदे मैं सर अच्छा ते क्या दे होने चाहिए काम जी आए हर साल साल सारे कॉलेज होंदे ये ते अगु ये अल्लाह इंशाल्लाह करसी होसी जी अल्लाह तौफीक दे सी इंशा चलो तू खुश है जी आ खुश है मजा आंदा पे जी ठीक है आई ते दू होनहार जे कॉलेज बिल महीना एसोसिएट कॉलेज बायदी सखेल दे उनन कोलू कुछ सवालत पुछदे भाई सुनाओ वास खान क्या ठीक ठाक ठीक ठाक सुनाओ देखा आज दा जे ए केरा दिहाड़ा मना दे पे आई ते क्यों इतना रश इकट्ठा है ते क्यों यूनिफॉर्म ही कोने ते कोई बड़े फैशन ने ते के रोल है आज जी जुमरात है ते आज साडा फंक्शन है सिंगो रावण है अच्छा ते साद दे पिछु लग गया ते बहुत सारे छोर काफी अरसे दे फंक्शन कराओ कोई एंटरटेनमेंट होनी चाहिए नहीं आई ते मैं ए सुने भी कोई आई ते कोई डे है कोई कल्चर डे है कोई पंजाब कल्चर फेस्टिवल डे आई थे ये भी है जी आ है कोई वेलकम पार्टी भी है कोई इस किस्म दी ओ आज क्यों कॉल हो सी यार इंफॉर्मेशन जेरी मेरे को मिली है मैं तो सुना भाई आई थे है अच्छा जी ओ असो ले ना सर गोदे गए से फुटबॉल के सब को फोन ही पता लगा अच्छा आ कॉल वाले अच्छा ये दसो भी सर गोदे गए तो थे के पोजीशन आई भाई जितते हो मैच हेरे हो के फुटबॉल द मैच आई बोदा रेडी साडा सेमीफाइनल है सेमीफाइनल था जीत गए से अल्लाह का शुक्र है ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਪਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁੱਕਾ ਲਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹਮ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਸਰਗੋਦ ਤੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਮ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕਾਲਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਾਲਜ ਬਾਇਜ਼ ਇਸਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਜੇ ਰਹੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵਈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਰਹੇ ਥੈਨ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਥੈਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਖੈਲ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਾਲਜ ਇਸ ਖੈਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗੋਦ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਬੈਡ ਲੱਕ ਥਈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੌਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਨਾ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਅਸਾਂ ਹਿਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਨ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿੰਨੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਏ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਏ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਆਈ ਤੇ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਮਜ਼ਾ ਸੀ ਸਿੰਗਰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਇੰਜੋਏ ਕਰਸੋ ਸਾਰੇ ਤਲਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰਪੂਰ ਤਿਆਰੀ ਚਾਹਣ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਸੋ ਜੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬੜੇ ਤਿਆਰ ਥਾਇ ਖਲੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੀ ਕੋਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ भाई लगा पे कनोपी कुपा ये सारे स्टूडेंट्स खलें बाहर इत्थे मनीसान होण प्रोग्राम थी सी सिंगिंग दा ये सारे लड़के खलें आले तल्ला आज केरा दिहाड़ा मनांदे पे ओ भेड़े ओ तैयार थी के काली दी पार्टी है जी पार्टी पार्टी कह दी वेलकम है जी कह दा वेलकम कर दे पे ओ ए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर सारा दा वेलकम साउंड साउंड फिट थिंदे पेन ए हे स्टेज इथे पहले कोई तकसीम ए नमात थी सी उस तो बाद बाद ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਖੈਲ ਦਾ ਵਸੀਮ ਖਾਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਦੀ ਇੰਜੋਏ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਸ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਉੱਤੇ ਕੁੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸ ਹੋ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ
सादा पतीला क्योंकि सारे जेरे हैं ना प्रोफेसर दो प्रोफेसर आए नवे सारे त्राए लेक्चरर ते ए उन वास्ते ना असा वेलकम पार्टी दई एतमाम कीते आई ते कल्चर डे वाले दिहाड़े ते ए पतीला शतीला पकदा पे रोटी दा भी बंदोबस्त हो सी इंशाल्लाह भाई ये जेरे सारे कॉलेज स्टूडेंट्स वते ने थे दो होन हार स्टूडेंट्स ए इने कुल पूछ दे भाई आई ते ना ए फेस्टिवल थिंदा पे ना वास्ते के बस ये तो नस भाई खले ओ देखा सुनाओ देखाई ते के प्रोग्राम है थवाडा आज कैसे थी पई है कॉलेज केरा प्रोग्राम है नहीं ये केरा डे मनाया वेंद पे आई ते कोनी पता ना कोनी पता ए हे कल्चर डे पंजाब कल्चर डे फेस्टिवल ठीक है तो पता होना चाहिए कॉलेज दे स्टूडेंट्स हो ना ठीक है ना तो इस विच बात थोड़ा सिंगिंग द प्रोग्राम ही है ते जानी के थोड़ा फुल एंटरटेनमेंट हो सी ठीक है ना भाई मैं तो लेट थी गया अंदर काम शुरू है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन थी पई है सिंगर ही आ गए अंदर बहने थोक दिखाने माहौल इसके बाद मैं सेकंड ईयर के तालिबे असद अमान को दावत देता हूं कि वो आए और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। असद अमान बेस्ट गोलकीपर इन फुटबॉल चैंपियनशिप इन सरगोधा डिवीजन। असद अमान ने बेहतरीन गोलकीपर गोलकीपिंग करके जो है ना सिर्फ अपना बल्कि हमारे कॉलेज का नाम भी रोशन किया है। अब प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। मैं कलामे इकबाल के लिए शायद नहीं पहुंच सके फिर आगे चलाएंगे। ये हमेशा से हमारी रूटीन रही है कि एक सरप्राइज हम हर पार्टी अपने स्टूडेंट्स के लिए रखते हैं। यहाँ का सरप्राइज आपका और मेरा ये झगड़ा चल रहा है शुरू से। मैं चाहता था मुशायरा हो तो उसके लिए शेर व शायरी के लिए जो है मैंने गुजारिश की है हमारे ईसा खैल के उभरते हुए नौजवान शायर हैं। इस कहत और रुझान के दौर में बहुत अच्छा लिख रहे हैं। उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है कि उटोर आए मनावण दो उटोर आए मनावण दो रुसे में याद क्या रखने उटोर आए मनावण दो रुसे में याद क्या रखने ये सिज होवे सवा नेजे पिघल वरना बनदा है। आपकी भरपूर तालियों में मैं गुजारिश करूंगा मुदस्सिर हुबदार से मुख्तसर वक्त के लिए आके अपना कलाम पेश करें। भरपूर तालियों से इस्तकबाल करें मुदस्सिर हुबदार। मैं निहायत शुक्रगुजार जनाब फरीद अरशद साहब मीदा उन्हें दे स्टाफ दा तमाम मुअज्जिज तलबा दा जिन्हें इतनी मोहब्बत नाल नवाजे। सब पहले उर्दू दे चांद से चांद मसाइल खमे तदबीर नहीं हो पाए चंद मसाइल खमे तदबीर नहीं हो पाए लफ्ज भी खुशबुए तासीर नहीं हो पाए चंद मसाइल खमे तदबीर नहीं हो पाए लफ्ज भी खुशबुए तासीर नहीं हो पाए सिर्फ चिल्लाते रहे ओटे तसव्वुर में मगर सिर्फ चिल्लाते रहे ओटे तसव्वुर में मगर ख्वाब शर्मिंदा ए ताबीर नहीं हो पाए। हम सब फैज भला कौन जहां में होगा हम सब फैज
भला कौन जहां में होगा, हम किसी आंख में तस्वीर नहीं हो पाए। और कुर्बे हुबदार का पूछा जो किसी ने बोले, कुर्बे हुबदार का पूछा जो किसी ने बोले, चंद समय बाय से तनवीर नहीं हो पाए। लफ्ज भी खुशबूए तासीर नहीं हो पाए। सारी सकाफत सकाफत है मतरूब सिंह डोड़ा, एक डोड़ा सारे भरावां दी नजर भावे हाड़ दे होल हवाले कर या पोहदे पाले पीत चले सिदनी पिछले, भावे हाड़ दे होल हवाले कर या पोहदे पाले पीत चले सिदनी पिछले, कौसैन दे फर्क दा ताले बना दीदार वफा दा जीत चले सिदनी पिछले, कौसैन दे बहुत मोहब्बत कौसैन दे फर्क दा ताले बना दीदार वफा दा जीत चले सिदनी पिछले, और दुख सुख बख्शीश नारजी कर मेकू जो बुझदे मलकी ते चले सिदनी पिछले, दे खुमस वफा दे सैयदा को हुबदार को हुब कहरी ते चले सिदनी पिछले। एक गजल दे चाल शेर के नूर होंदी है नूर देंदी है, नूर होंदी है नूर देंदी है, चंगी सोहबत शऊर देंदी है, नूर होंदी है नूर देंदी है, चंगी सोहबत शऊर देंदी है, और पुर मुसर्रत किसे भी मौके ते मूझ दस्तक जरूर ले दी है, और कोठड़ी तू मिले जना कोठी, कोठड़ी तू मिले जना कोठी, कम असल को गरूर ले दी है, और सख्त लहजे दी गुफ्तगु तेरी बाल दिल में तनूर ले दी है, हिक तजल्ली थवाने मुकड़े दी, हिक तजल्ली थवाने मुकड़े दी, जोड़ सीने को तूर दे दी है, और हुब्बे आले रसूल क्या पुछ दें, हुब्बे आले रसूल क्या पुछ दें, कुर्बे रब्बे गफूर दे दी है, और मेरा अपना भी एक पसंदीदा शेर है, क्या तहमुल कराई मौके ते तू टुरे ते मैं चीक ना मारा, क्या तहमुल कराई मौके ते तू टुरे ते मैं चीक ना मारा, तू मोहब्बत तलीक मारे चा मैं तहमुल तलीक ना मारा। उंदे कुंदी अदा मोहब्बत है मैं ताधा खुदा मोहब्बत है, उंदे कुंदी अदा मोहब्बत है मैं ताधा खुदा मोहब्बत है, हाले तई भी अना चुनी निकला देखूं मिट्टी सुआ मोहब्बत है, और अपनी गल तू मुकर ता मर्जी है, अपनी गल तू मुकर ता मर्जी है, तैं भी आखा कहा मोहब्बत है, और हा तरक्की भी ढेर लाजम है, हा तरक्की भी ढेर लाजम है, पर जहां दी बका मोहब्बत है, उंदे कुंदी अदा मोहब्बत है मैं ता था खुदा मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया मोहतरम हुबदार सेकंड ईयर के वो तलबा जिन्होंने पोजीशन ली है, इम्तियाज साहब से है कि वो आए और पोजीशन होल्डर्स में इनाम तकसीम करें, आपकी मौजूद तालियों में मोहतरम इम्तियाज साहब।
सबसे पहले फर्स्ट ईयर के में जो पोजीशन होल्डर तोलाबा है उनको मैं दावत दूंगा। फर्स्ट ईयर में स्टैंड अप टेस्ट 2023 थर्ड पोजीशन लेने वाले तालिबे इल्म मोहम्मद जहीद स्टैंड अप टेस्ट 2023 में तीसरी पोजीशन हासिल की है। आपकी भरपूर तालियों में भरपूर तालियां होनी चाहिए। इसके बाद लेने वाले तालिबे इल्म रमजान खान है। मैं रमजान खान को दावत देता हूं कि वो आए और अपना इनाम वसूल करें। फहीम शाकिर आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। सेकंड ईयर के पोजीशन होल्डर्स तोलाबा में इनामात के लिए मोहतरम नवीद साहब को दावा दूंगा कि वो आए और सेकंड ईयर करें। भरपूर तालियां होनी चाहिए नवीद साहब के लिए। थर्ड पोजीशन लेने वाले तालिबे इल्म हमाद नवाज हैं। इसके बाद अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सेकंड ईयर के तालिबे इल्म मोहम्मद नोमान ने सेकंड पोजीशन हासिल की है। हौसला अफजाई के लिए भरपूर तालियां। टेस्ट 2023 में पहली पोजीशन लेने वाले तालिबे इल्म सेकंड ईयर के तालिबे इल्म मोहम्मद यूसुफ और अपना नाम वसूल करें। आपकी भरपूर तालियों में मोहम्मद यूसुफ। नाम वसूल करें। थर्ड पोजीशन लेने वाले तालिबे इल्म कासिद अली नाम तकसीम करें। भरपूर सेंड अप टेस्ट 2023 में अब्दुल्ला फजल फोर्थ ईयर के तालिबे इल्म अब्दुल्ला फजल भरपूर तालियां होनी चाहिए अब्दुल्ला फजल के लिए। बहुत शुक्रिया। सेंड अप टेस्ट 2023 में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तालिबे इल्म मोहम्मद कामरान ने पहली पोजीशन हासिल की है। अब महफिल को मजीद रौनक बनाने के लिए गाने का एहतमाम भी किया गया है। तो मैं सेकंड ईयर के तालिबे इल्म सुरीली आवाज वाले जॉन अली को दावा देता हूं कि वो आए और प्रोग्राम को चार चांद लगा दें। जॉन अली कोई दे कपड़े दा बरमाया इश्क रुला देंदे भूल देंदे घर माया।
असा जान तू वध तेनू प्यार कीता है तेरी कीती है ता बेअदारी असी यारी यारी समझदे रहे तुसा कीती है वक्त गुजारी असा जान तू वध तेनू प्यार कीता है तेरी कीती है ता बेअदारी असी यारी यारी समझदे रहे तुसा कीती है वक्त गुजारी कोई कणक दी बाई कीती कोई कणक दी बाई कीती अस खतबों भेजे मैं ढोल रसई कीती जा जावे बेवफा जा जावे बेवफा जा जावे बेवफा जा जावे बेवफा जा तेरी यार वफा नहीं भूल सकदा जड़े कीते कोल ने भैनी सानू चाड़ के हिजर दी सूली ते घर घर ते ढोल बसैनी तेरी यार वफा नहीं भूल सकदा जड़े कीते कोल ने भैनी सानू चाड़ के हिजर दी सूली ते घर घर ते ढोल बसैनी कोई रोग लवई वते ओ सकुलारे यार तू लाला के बहु की ता यार गवारे ए दिल कमला ए दिल छल्ला जड़ कर दाता नल प्यारे सकुलारे यार तू लाला के बहु की ता यार गवारे ए दिल कमला ए दिल छल्ला जड़ कर दाता नल प्यारे नवे लोर तो बस जांदी नवे लोर तो बस जांदी तू जे मिल जांदा आज उड़ दी चस जांदी जा जावे बेवफा जा जावे बेवफा जा जावे बेवफा जा जहां लोग सैडनेस का शिकार हो वहां हंसना और हसाना भी बहुत जरूरी होता है इसलिए मैं आप तमाम दोस्तों के लिए एक बहुत ही प्यारा फनी सॉन्ग लेकर आया हूं ओ बंदा एदे दूर पढ़ने जो आवे अगो ज़हन विच कुछ ना बावे बंदा आप को भाचा लावे अरमान तलग दे अफसोस तलग दे अरमान तलग दे अफसोस तलग दे एक तंग हाँ मैं घर वाला तू जड़े में को स्कूल भेजे दिन एक बास दा मोटा छोटा है उस्ताद दे पेश करे दिन एक तंग हाँ मैं घर वाला तू जड़े में को स्कूल भेजे दिन एक बास दा मोटा छोटा है उस्ताद दे पेश करे दिन बंदा देर नल स्कूल जो आवे हेडमास्टर कान पकड़ावे बंदा आप को भाचा लावे अरमान तलक दे अब तो तलक दे ए हर शह जा दयो कर कर के सदे जैन गए हो गासे इन डिग्रियां दी सकुलोड नहीं सदी कालेज तू भी मासे डिग्रियां दी सकुलोड नहीं साडी कॉलेज तू भी बसे बंदा इतनी मेहनत लावे अगो इंग्लिश फेल हो जावे बंदा आप को भाचा लावे अरमान तलक दे अफसोस तलक दे एक तंग हाँ मैं इस्लामियात को लूडू जा इंग्लिश हाँ चा सोड़े एक उर्दू खून सुखा छोड़े दूजा साइंस हाँ चा साड़े एक तंग हाँ मैं इस्लामियात को लूडू जा इंग्लिश हाँ चा साड़े एक उर्दू खून सुखा छोड़े दूजा साइंस हाँ चा साड़े मुताला भी समझ ना आवे बज रबिया पई पढ़वावे बंदा आप
आपक भाचा लावे अरमान लगद अफसोस लगद अरमान लगद अफसोस लगद। ये थे जॉन अली जो गाना परफॉर्म कर रहे थे। इसके बाद मैं एक और गाने के लिए मोहम्मद साजे 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 कर तेरे दर्दे कौन फकीरे घर बैठिया चन इनकार न कर असा मंगनी नहीं जा रे मेरे मरण बाद गवई रे तेरे हथ दी ढोल लगी रे बुआ खोल के देख मैं शागिर हां जे पुरोल दिता तकदीर अजीब सिक्के सवाल ढेरे मगर घसावण दीदानिया दी या दिल है पत्थर मिजाज सादा या दिल कुलावन दीदानिया दी तेरी खुशी है तेरा मिजाज साखू भुला दे या तू रुला दे ई दिल दे वर के तू नाम फैसल साखू मिटावन दीदानिया दी मिणके हारा दे फट तलवारा दे वे उजड़न दे ताड़िया नामा वे सारे उजड़न दे चल रही है।
चाचा वजन थोड़ा कमरा मार आने वाले इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने ग्रामी मेरे जुमला प्रोफेसर सहबान, अल्लाह ताला आप हम सबको अमन सलामती और अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। जैसा कि आप जानते हैं ये खूबसूरत रंग बिरंगे और इंतहाई पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस इदारे में उन तुलाबा को इनामात देने के लिए जिन्होंने दिसंबर टेस्ट के अंदर अपने सलाहियतों का लोहा मनवाया, जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, फिर खेल के मैदान में जैसा कि हमारी इदारे की रवायत रही है हम निसाबी ताली सरगर्मियों के साथ साथ तलबा की जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखते हैं और हमारे कॉलेज के ग्राउंड जो हैं वो हम वक्त आबाद रहते हैं। तो तालीमी कारकर्दगी के साथ साथ ये महफिल इसलिए भी मुनक्किद की गई है कि हमारे मोहतरमा जो पूरा साल खेलते हैं और फिर हमारे जिले और डिवीजनल लेवल पे मुकाबला जात होते हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से, जिसमें हमारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और जिन्होंने इस साल माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जैसा कि आप सब दोस्तों के इल्म में है कि हमारे जो फुटबॉल की टीम थी बहुत ही अच्छी और शानदार कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया और अभी हाल ही में होने वाले जो हमारे मुकाबलाजात थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी फुटबॉल की टीम चैंपियन रही है और इसके अलावा डिविजनल लेवल पे हमारी टीम जो है फुटबॉल की माशाल्लाह आप सबको पता है रनर अप रही है। तो इन सबको इनामात की जो भी तकरीब हुई है इसलिए सिलसिले में ये तकरीब मुनक्किद की गई है। मजीद बरहम इस तकरीब का के इनेकाद का जो दूसरा अहम पहलू है वो हमारे इदारे के अंदर नए आने वाले प्रोफेसर सहबान के लिए हमने वेलकम कहना था और जो इस इदारे की रवायत है हर आने वाले को हम वेलकम कहते हैं, जो यहाँ से रुख्सत होते हैं उनको हम फिर अलविदाई कहते हैं। तो ये पार्टी इस सिलसिले में अरेंज की गई है, ये खूबसूरत प्रोग्राम इस सिलसिले में अरेंज किया गया है आप सबको पता है। जुमला हजरीन जैसा कि आप जानते हैं हमारा ये इदारा तालीमी मैदान में बहुत सारे मसाइल के बावजूद भी बहुत ही नुमाया और अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस चीज पर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं और मुझे पूरा इत्मीनान है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपने सलाहियतों से बढ़कर इस इदारे के लिए काम कर रहे हैं। मेरी टीम जो जुमला टीम है टीचिंग नॉन टीचिंग उसके ऊपर माशाल्लाह बहुत ही मुझे इत्मीनान है, भरोसा है और बहुत ही अच्छी जो है हमारी परफॉर्मेंस है और मुझे उम्मीद है कि इसी मेहनत के नतीजे में हम अपने जितनी हमसे सलाहियतें हैं उनसे भर कर जो हम काम कर रहे हैं और हमारे रिजल्ट माशाल्लाह आप सबके सामने हैं, हम तलबा देख रहे हैं। तो इस महफिल में मैं स्पेशली खुशामदीद कहता हूँ हमारे जो नए प्रोफेसर यहाँ पर आए हैं जिन्होंने हमारे इदारे को ज्वाइन किया है, प्रोफेसर सनाउल्लाह साहब हैं, सनाउल्लाह शाह साहब इंग्लिश के ये प्रोफेसर हैं और
इन्होंने, इनकी खास बात हमारे सर की कि जिन्होंने पीएफ के अंदर एयरफोर्स के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उसके बाद भरपूर मेहनत और तालीम के साथ लगन रखते हुए उन्होंने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के अंदर पीपीएससी के थ्रू से इस इदारे को ज्वाइन किया और ये हमारे कॉलेज का एक सरमाया साबित होंगे। इंग्लिश का हमारा शुरू से थोड़ा मसला भी रहा है पिछले कुछ सालों में और अब इंशाल्लाह वो हमारा नहीं रहेगा, इस पर मुझे बहुत खुशी है। मैं वेलकम कहता हूँ जनाब सनाउल्लाह शाह साहब को कि उन्होंने हमारे इस इदारे को ज्वाइन किया है। अल्लाह ताला उनको यहाँ पर बेहतर अंदाज में अपने सलाहियतें मनवाने की तौफीक अता फरमाए। दूसरे नंबर पर हमारे साथ ही इंग्लिश के दूसरे प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर आतिफ अली साहब। तो अजीज तुराबा, ये भी आपके लिए बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे दो जो है प्रोफेसर इंग्लिश की आपके इदारे के अंदर मौजूद हैं। प्रोफेसर आतिफ अली साहब ने भी इंतहाई मेहनत की और उसी मेहनत के नतीजे में उन्होंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई किया और सबसे अहम बात उनकी ये थी कि उन्होंने मेरिट बनाया उस सूरत हाल में कि जब पब्लिक सर्विस कमीशन ने बहुत महदूद सी सीटें इंग्लिश के लिए रिक्रूट की थी जिसमें इन्होंने अपनी जगह बनाई और ये भी आपको इंशाल्लाह बहुत आला और अच्छी जो है वो रिजल्ट देंगे। अजीज तलाबा, आपने इनकी सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाना है तो मैं खुश आमदीद कहता हूँ जनाब प्रोफेसर आतिफ अली साहब को भी यहाँ इदारा हजाम है और उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी परफॉर्म करेंगे। साथ साथ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के हमारे प्रोफेसर साहब आए हैं, बिल्कुल यंग प्रोफेसर हैं और ये भी हमारे कॉलेज का एक सरमाया और एचईडी पंजाब का ये सरमाया साबित होंगे इंशाल्लाह। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में प्रोफेसर मोहम्मद हबीब रहमान साहब इंतहाई टैलेंटेड, इंतहाई काबिल हमारे प्रोफेसर, यंग प्रोफेसर हैं ये। मुझे बहुत खुशी है बतौर सरबराह इदारा कि हमारे पास ऐसे लोग आए हैं। अजीज तुराबा, आपके लिए मैं कहता हूं कि हम इन टैलेंटेड और मतलब जो अच्छे इंतहाई आपको शतीफ प्रोफेसर नए मिले हैं इनसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। बाकी हम हमारे पास है, पहले वो के स्टाफ की कमी थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ की कमी हमारे पास बिल्कुल नहीं है। सीटीआई साहबान भी हैं, उनको भी मैं वेलकम कहता हूँ इस मौके पर जिन्होंने अभी हमारे पास ज्वाइन किया है। सीटीआई जो इंटर्नशिप हमारे पास आते हैं, हमारे इंतहाई काबिल हमारे ही शागिर्द हैं, वसीम शाकिर साहब हैं जिन्होंने अभी हाल ही में हमसे यहाँ पढ़ा और अपनी तालीम मुकम्मल की और फिर सीटीआई, और साथ साथ अमर इकबाल साहब, अजीज तलाबा आप उनको जानते हैं, इंतहाई मेहनती प्रोफेसर हैं, आपको पढ़ाते हैं और वॉलंटियरली भी उन्होंने यहाँ पर काम किया वो एज अ सीटीआई, और हमारे कंप्यूटर साइंस के दोस्त सीटीआई हसनैन साहब, और इसके अलावा हमारे पास जो प्रोफेसर हैं सीटीआई के दूसरे सब्जेक्ट के, उन सबको मैं खुश आमदेद कहता हूँ। जो वॉलंटियर हजरात हैं उनका अगर यहाँ पर मैं जिक्र नहीं करूँगा तो ये तकरीब मतलब कि उसमें कमी यतनिश नहीं होगी कि बहुत ही हमारे जो वॉलंटियर हैं जो ज़्यादा काम करते हैं, हमसे ज़्यादा काम करते हैं, मैं उनको भी इस मौके पर खुश आमदेद भी कहता हूँ और उनको दाद भी देता हूँ। अजीज तलाबा, बातें तो आपसे करने के लिए बहुत होती हैं लेकिन वक्त की कमी के पेश नज़र मैं इसी पर इत्तेफाक करूँगा। जिन्होंने बहुत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूं, और जो नए आने वाले हमारे प्रोफेसर हजरात हैं, जितने सीटीआई हजरात हैं उनको मैं वेलकम कहता हूं। यहां पर जितने मेहमानों ने इस तकरीब के अंदर शिरकत फरमाई उनको भी मैं खुश आमदेद कहता हूं, और अजीज तलाबा आपसे सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप ही हमारा सरमाया हैं, हम सब कुछ, हमारी सारी तमन्नाएं, सारी सलाहियतें आपके लिए हैं। आपका काम है कि अपने तवज्जो अपने तालीम के ऊपर और डिसिप्लिन के ऊपर मरकूज रखें, यही आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। अल्लाह ताला आपका हम सबका हामी व नासिर हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट्स और तमाम स्टाफ का
बेहद मशहूर हूँ जिन्होंने इनवाइट किया। सबसे पहले धमाल, उसके बाद दोस्तों की फरमाइश।
यारा पीछे पीड़े पीछे मरण ले यारा कित सादा साफ है दिल बोले जिया अल्लाह शाला आने ना कोई मुश्किल आए हो ਕਿ ਟੈਮ ਵਿੱਚ ਹਮੀ ਭਰਨਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੀੜੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ तवी सुखी बना